नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सट्रीम टेक्निक्स में। मैं अचल कुमार आज आपको बताने जा रहा हूँ कि गोरिल्ला ग्लास क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं और इसके वर्जन्स के बारे में। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों, जब भी आपने गोरिल्ला ग्लास का नाम सुना होगा तो इसके नाम से पहले एक कॉर्निंग नाम और आता है कि ये कॉर्निंग क्या चीज है। तो मैं बताता हूँ, कॉर्निंग एक कंपनी का नाम है, अमेरिकन कंपनी है, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड नाम से। वही वही कंपनी इन ग्लासों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसीलिए इसका नाम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पड़ा है। जी हाँ, और ये ग्लास है क्या? ये एक स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है जो हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इन सब चीज़ों को जो है स्क्रैच से बचाता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और ये ग्लास मजबूत होते जा रहे हैं, जिनकी मदद से हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स की स्क्रीन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। तो चलिए बात करते हैं इसके वर्जन्स के बारे में कि वो वर्जन्स कब कब लॉन्च हुए थे। तो सबसे पहले जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आया था वो आया था 2008 में, गोरिल्ला ग्लास 2 आया था 2012 में, गोरिल्ला ग्लास 3 आया था 2013 में, और जो इसका अपडेटेड वर्जन था गोरिल्ला ग्लास 4 वो आया था 2014 में, और जो अभी लेटेस्ट जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 चल रहा है, जो आजकल सभी महंगे स्मार्टफोन में चल रहा है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसके अंदर आ रहा है, वो आया था 2016 में। और 2016 में इसका एक और वर्जन आया था कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास SR+, जो कि सैमसंग की एक वॉच है, सैमसंग गियर S3, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया गया था। अब काफी वर्जन आ चुके हैं वैसे तो इसके, और जो लेटेस्ट है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 चल रहा है, काफी मजबूत है, लेटेस्ट फोन के अंदर वही इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, जिन जिन फोन्स के अंदर गोरिल्ला ग्लास का यूज होता है उनके फायदे भी बहुत हैं। इनके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपका स्क्रैच प्रूफ है। जैसे कि छोटे मोटे स्क्रैच लग जाते हैं, स्क्रीन थोड़ी गंदी हो जाती है, तो उसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपका फोन एकदम स्क्रैच प्रूफ रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि थोड़ा मजबूत हो जाता है फोन। मैंने कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब पे एक रिव्यू देखा था, मोटो मोटोरोला का फोन है, मोटो फोर्स, उसको 900 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका गया था, लेकिन फोन तब भी ऑन था, उसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। क्योंकि क्योंकि उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया था। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना मजबूत होगा वो। और मार्केट के अंदर बहुत से ग्लासेस वाले फोन आते हैं, जैसे असाही कोई ग्लास है, ऐसी एक ड्रैगन टेल नाम से ग्लास है, पर वो इतने इतने खास नहीं है। तो सबसे अच्छा है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ही है। तो जब भी आने वाले टाइम में आप स्मार्टफोन लेने की सोचें तो एक बार उसके अंदर मजबूती पे भी ध्यान दें उसकी, और ये जरूर देख लें गोरिल्ला ग्लास है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और सबसे जरूरी काम रेड बटन दबाना ना भूलें जो कि सब्सक्राइब का है। जी हाँ, सब्सक्राइब सबसे पहले करें और उस पर बनी हुई घंटे को उस पर क्लिक सबसे पहले करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।